आरबी शर्मा क्लास सिक्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक्सरसाइज फर्स्ट 9.1 ठीक है आज स्टार्ट कर रहे हैं इसको। पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्या है देखिए, इन अ क्लास द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द मेरिट लिस्ट ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन इज टू टाइम्स दैट ऑफ बॉयज। ठीक है, जो गर्ल्स है बोर्ड का मैट्रिकुलेशन का पेपर, मैट्रिक का होता है टेंथ बोर्ड को ही मैट्रिकुलेशन करते हैं, तो जो गर्ल्स है वो बॉयज से उनका जो रेशियो है दोगुना है, तो मतलब गर्ल्स हो गई 2 और बॉयज हो गया 1, 2:1 इज द आंसर। क्वेश्चन फिर से सुनना, या हाँ ये रेशियो का, और ये जब डबल हो जाएगा तो प्रोपोर्शन का, समझ में आ गया, ये डबल डॉट रेशियो का साइन है, कोई दिक्कत, डबल 2:1 समझ में, ठीक है। फिर से इस क्वेश्चन को सुन लो, इन अ क्लास द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द मेरिट लिस्ट, क्लास में जो लड़की थी लड़कियां थी, नंबर ऑफ गर्ल्स जो थी मेरिट लिस्ट है, मतलब मेरिट है ना मतलब कि कौन ज्यादा अच्छा नंबर लेके आती है, लिस्ट ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन इज टू टाइम्स ऑफ द बॉयज, टू टाइम्स मतलब दोगुनी, लड़कों से दोगुनी ज्यादा गर्ल्स ने नंबर लेके आए, दोगुना 2:1 ठीक है, 3 times होता तो 3:1। एक और क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग मैथमेटिक्स टेस्ट इज 2/3 द नंबर दैट अपीयर्ड। कहा जा रहा है कि मैथ का एक टेस्ट हुआ जिसमें पास होने वाले बच्चों का जो रेशियो था 2/3 ठीक है, जब भी कोई चीज फ्रैक्शन में दी गई होगी रेशियो में बदलना होगा तो ऊपर वाला जो है वो पहले आएगा और नीचे वाला डिनोमिनेटर हम बाद में लेके आ जाएंगे, ये हो गया काम खत्म। क्वेश्चन क्या था कि एक मैथमेटिक्स का टेस्ट पेपर हुआ जिसमें पास होने जितने भी बच्चों ने हिस्सा लिया उसमें से 2/3 2/3 बच्चों ने बच्चे पास हुए उस टेस्ट में, इसको रेशियो में लिखा ले तो 2:3 लिख देंगे किसी को, तो बेटे लिखा टोटल अपीयर इन द, ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द लैंग्वेज ऑफ रेशियो, और क्या सेकंड क्वेश्चन, अब जो रेशियो में होगा उसको हम लोग क्या करेंगे डेली लाइफ में, जो भी रेशियो में है उसको चेंज करना है, डेली लाइफ में किस तरह यूज करते हैं, मुंह बंद करें बताया तो कुछ नहीं रहे हो। The ratio of number of bad pencil to their of good pencil produced in a factory is 1:9. अच्छे पेंसिल का बुरे पेंसिल से रेशियो 1:9 है, ठीक है, तो इसको डेली लाइफ में कैसे लिखेंगे, डेली लाइफ में इसको 1/9 लिख देंगे, स्टेटमेंट लिखिए आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत, रेशियो होगा तो फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन था तो रेशियो बदल रहे थे, हाँ स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा, मैंने भेज दिया है पीडीएफ, घर पे जाके दिद्दे को कष्ट दीजिए, उतना बड़ा स्टेटमेंट भी नहीं है, सिंपल सा, कीप क्वाइट। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन है, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है, देखो रेशियो है 60:72, अब सब सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो को लिखना है, तो इस रेशियो को बेटा पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 60 ऊपर होगा 72 नीचे होगा, और सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब किसको कट करते चलेंगे, आप फ्रैक्शन में कट करो 2 3 6 2 6 12 आपको जैसे आता है डिवाइड कर लेना, 2 3 6 जीरो का जीरो, यहाँ जीरो या सिक्स फिर से होगा, 2 1 2 2 8 16 15 2 30 अब 18 और 15 3 के टेबल में आता है ना, 3 5 15 3 6 18 तो 5/6 अब सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा 5:6 इज द आंसर। जो भी बड़ा दिया हुआ जाए दिया हुआ रहे
और कोई रेशियो, और कहा जाए कि सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको चेंज करना है, तो पहले आप उसको फ्रैक्शन में लिख लो, उसको कट करते चलो, 5 और 6 तो अब किसी एक के टेबल में नहीं आता, तो वही हमारा फ्रैक्शन हो गया, उसको रेशियो में लिख दो, डेट इज योर आंसर। कैसे करेंगे आप इसको, तो इसी तरह कर सकते हो। क्वेश्चन 4 देखेंगे। क्वेश्चन 4 कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, बेटा रीडिंग करते रहिए बैठिए, दूसरा निकालो। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, जो रेशियो है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है देखो, दिया हुआ है कितना रुपीज है फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन, 75 पैसे एंड ₹3। किसका पेपर है भावना, आ गया आपका, निकाल लो करो उसी देर। 75 पैसे एंड ₹3। अब मैंने आपको शुरू से ही सिखाया है कि कभी भी जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसको वैसे ही रहने देते हैं और बड़े को छोटे में चेंज करते हैं, हमेशा बड़े को छोटे में चेंज करते हैं। अब एक तो 75 पैसे था ही, और 3 रुपीज को अगर पैसे में कन्वर्ट करें, ये पैसे है ना रुपीज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, सॉरी 3 रुपीज है ना, मैं क्या कर रहा हूं इसको पैसे में कन्वर्ट करना है, तो कभी भी जो बड़ा अमाउंट होता है उसको छोटे में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 रुपी में कितने पैसे, तो 3 × 100 कितना हो गया, 300 पैसे। तो हमें पता चल गया कि एक है 75 पैसे और दूसरा है 300 पैसे, तो ऊपर होगा 75, नीचे होगा 300। समझ में आया, यहां तक समझ में आया, मैं दोबारा और बता दूंगा। 75 पैसे और 3 रुपीज को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर, हमने क्या किया, 75 पैसे तो है, 3 रुपीज को भी पैसे में कन्वर्ट किया तो 300 आ गया, ठीक है ना, 3 × 100 300 पैसे। अब 75 पहले था तो ऊपर लिखा, 3 रुपीज का 300 किया है तो नीचे लिखेंगे, इसको कट करें, ठीक है, चलो कट करके देखते हैं। पहले तो 5 से कर देते हैं, 5 × 5 = 5, 5 × 5 = 25, क्लियर है, 5 × 6 = 30, 0 का 0, 15, 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6, 5 × 5 = 5, 5 × 4 = 20, 1/4 मतलब 1 रेशियो 4 इज आंसर। किसी को कोई दिक्कत, देख लो क्वेश्चन ध्यान से, देखो एक बार रिकॉर्ड भी कर देते हैं, लास्ट में 5 है और 0 है तो 5 से दोनों कटेगा, डिवाइड होगा, 5 × 5 करेंगे तो यहां से 2 होगा ना, -25 हो गया, 5 × 5 = 25, समझ में आया कैसे हुआ, आया समझ में, नीचे 300 है, 5 × 6 = 30, 0 का 0, अब 3 से दोनों कट जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6, 0 का 0, क्लियर है। अब 5 और 20 बताया, 5 × 5 = 5, 5 × 4 = 20, 1:4 इज आंसर। फिर से इसमें भी उसी तरह रेशियो ही पूछ रहा है, ठीक है, पहला है बेटा कह रहा है कि इसको रेशियो में बदलना है, 3.6 मीटर, 3.2 है, अच्छा, और उधर कितना है, 3.2 मीटर, 56 मीटर, ठीक है। अब ये पॉइंट है तो हम इसको कर देते हैं इसका काम, अगर पॉइंट हटाना हो तो क्या करें बताइए, अब देखो अगर हम ऐसा करें, ये रेशियो ऐसा ही बनेगा ना, 3.2/56 ऐसा ही बनेगा ना,
क्वेश्चन में थोड़ा चेंज, हमको ये डेसिमल हटाना था हटा दिए, मल्टीप्लाई बाई 100 यहाँ रख दिया, हो गया काम खत्म। अच्छा सॉरी 100 बोले थे, 10 करेंगे सर, क्लियर है। अब जैसे ही आप लोग छुहारे तो खाते ही होंगे, और नहीं खाते हैं तो उसकी कसम खा के ये काम करेंगे। 2 1 2, 2 6 12, 2 5 10, ठीक है। 2 2 4, 2 8 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 1 2, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, ठीक है। 2/35 ठीक है, देख लीजिए 75, समझ में आ गया। ओके पहले ये भी देख ले रिकॉर्ड हो रहा है। जी 35 और 57, हाँ 2 0 है, 3 digit है तो 3 digit, वो तो आपको पता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल आर रेस्पेक्टिवली 116 and 1015। कह रहा है कि एक स्कूल में नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स के रेस्पेक्टिवली इस तरह, मतलब ये हो गए बॉयज और ये होंगे 6 8। अच्छा ठीक है, ओके। एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज दैट ऑफ द गर्ल्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना, ठीक है, कर दे ब्रो। तो 1168 ऊपर है, 1095 नीचे है, ठीक है। इसको कट करना है, आपको जैसे कट करना आता होगा आप वैसे कट कर दो, ठीक है। हम आपको सबसे अच्छा वाला तरीका सिखाते हैं। यहाँ 8 है और यहाँ 5 है, 2 से होगा। रुको तो 2 से तो नहीं होगा। अब 3 के लिए 1 1 2, 2 6 कितना हो गया, 8 और 8 16, 3 से भी नहीं होगा, 16 है ना, हाँ 16 है तो 3 से भी नहीं होगा, 4 से होगा, नीचे 95 है, 4 से भी नहीं होगा, 5, 7, 8. एक काम कर सकते हैं इसका बड़े क्वेश्चन के लिए एक अलग तरीका, ठीक है, इसका HCF निकाल देते हैं। जी डिवाइडिंग द टू टर्म बाई HCF, अगर HCF मेथड से निकाले तो देखिए कैसे होगा।